कैंट पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसकी पहचान शुभम शर्मा पुत्र विनोद शर्मा निवासी झरना टोला नीना थापा थाना शाहपुर तथा पंकज कुमार गौड़ पुत्र अशोक निवासी रानीडीहा थाना कैंट के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी व सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार लगातार क्षेत्र में चेकिंग का अभियान शुरू है। हमने थाना क्षेत्र कैंट और थाना क्षेत्र खोराबार में हमने कुछ टीम गठित की है जो स्पेसिफिकली इन चीज़ों पे काम करती है। बाइक चोरियों की घटनाएं सामने आ रही थी तो एक घटना अभी खुली है, इसमें शुभम शर्मा और पंकज कुमार का नाम सामने आया, और विशेष बात यह है कि CCTV फुटेज से ये चीज़ें बिल्कुल पकड़ में आई कि किस तरीके से ये बाइक चुरा रहे हैं, कैसे चाबी लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और विशेष बात यह भी है कि 8 घंटे के अंदर हमने केस का खुलासा करने में कैंट पुलिस कामयाब रही है। एक गाड़ी की सूचना जो आ रही थी चोरी की, वो कूड़ाघाट से आ रही थी, एक डॉक्टर की गाड़ी इन्होंने टू व्हीलर चोरी गई थी। पूछताछ शुरू है, पहले की इन्होंने कोई ऐसी घटना कबूल की नहीं है, पर दो बाइकें इनसे बरामद हुई है। गैंग होगा, ज़रूर होगा, गैंग होगा। नेपाल में हो सकता है, बिहार और अन्य जो डिस्ट्रिक्ट्स है उत्तर प्रदेश के वहाँ बेचते हैं। दूसरी एक बात है, मैं सबसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि CCTV का महत्व इससे हमें दिखाई देता है। CCTV जो कैमरा है वो ज़रूर आपके घर पे हो, दुकान पे हो, ज़रूर उसको इंस्टॉल करें, और उसका फेस जो है वो सड़क की ओर उसका होना चाहिए।